खबरें खबरें खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए, खबरें ही देखेंगे पर बॉलीवुड स्टाइल में। जी हाँ नमस्कार, मैं अक्सा और आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 5 खबरें, जहां हम देखेंगे कि रजनीकांत और तमन्ना भाटिया की फिल्म जेलर पिछले कई दिनों से जो चर्चा में बनी हुई थी, अब 10 अगस्त यानी आज फिल्म रिलीज कर दी गई है। इसके अलावा विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी अपकमिंग फिल्म बारबी फेल का टीजर भी कर दिया है रिलीज। तो चलिए फटाफट डालते हैं बॉलीवुड की 5 मनोरंजक बड़ी खबरों पर एक नजर। पहली खबर के अनुसार रजनीकांत तमन्ना की जेलर थिएटर में लाई है भूचाल। गदर 2 और ओ माय गॉड सिनेमा घरों में दस्तक दे उससे पहले साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म जेलर सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। साउथ के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत के करियर की ये 169वीं फिल्म है। उनकी साउथ के साथ साथ हिंदी में भी एक अच्छी खासी प्रशंसकों की लंबी लिस्ट है। उनकी फिल्म के आते ही साउथ में एक फेस्टिवल जैसा माहौल बन चुका है। जगह जगह पर साउथ सुपरस्टार के होर्डिंग्स लगे हैं। रजनीकांत की जेलर के रिलीज होने पर तमिलनाडु और कर्नाटक में कई कंपनियों ने छुट्टी तक घोषित कर दी है। रजनीकांत के अलावा तमन्ना भाटिया और जैकी श्रॉफ सहित जेलर में कई ए लिस्टर सितारों ने कैमियो किया है। रजनीकांत की फिल्म की टिकट भले ही कितनी भी महंगी हो, लेकिन उनके फैंस थिएटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। थिएटर्स के बाहर क्रैकर्स, मिल्क और ढोल नगाड़ों के साथ साउथ स्टार की फिल्म का स्वागत किया गया। द किंग ऑफ कोठा के ट्रेलर के मुरीद हुए शाहरुख खान, दुलकर सलमान की तारीफ में कह दी बड़ी बात। दुलकर सलमान अपनी रोमांटिक हीरो की छवि को छोड़कर एक बार फिर से कुछ अलग लेकर आ रहे हैं। गुरुवार को दुलकर की अपनी फिल्म किंग ऑफ कोठा का रोमांच भी भरपूर ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर को देखकर शाहरुख खान काफी एक्साइटेड हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी फिल्म के ट्रेलर और दुलकर सलमान की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। दुलकर की किंग ऑफ कोठा के ट्रेलर को देखने के बाद जवान फिल्म कलाकार शाहरुख खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लेटेस्ट ट्वीट किया है, जिसमें शाहरुख ने लिखा है कि मुबारक हो, किंग ऑफ कोठा का ट्रेलर काफी इंप्रेसिव है। दुलकर, आपकी इस फिल्म का हमें बेसब्री से इंतजार है, आपको इसके लिए ढेर सारी बधाई। साथ ही इस फिल्म से जुड़ी पूरी टीम को मेरी ओर से सफलता के लिए शुभकामनाएं। दिल्ली के मुखर्जी नगर की ये कहानी हिंदी मीडियम और यूपीएससी की तैयारी करने वालों को लगेगी अपनी। विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी आगामी फिल्म बारबी फेल के टीजर रिलीज कर दिए हैं। हाल ही में ये ऐलान किया गया था, वहीं अब उन्होंने टीजर से पर्दा भी उठा दिया। फिल्म दुनिया के सबसे मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी के लिए ट्राई करने वाले लाखों छात्रों की सच्चाई कहानियों से प्रेरित है। बारबी फेल की कहानी दिल्ली के मुखर्जी नगर से शुरू होती है, जहां हजारों बच्चे आईएएस और बारबी फेल की कहानी दिल्ली के मुखर्जी नगर से शुरू होती है जहां हजारों बच्चे आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हुए नजर आते हैं। ये फिल्म उन सभी लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है जो असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं और कभी हार नहीं मानते। बारबी फेल टीजर को गदर 2 के साथ शुक्रवार से सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा। पाकिस्तान की सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर बनेगी फिल्म, शुरू हुए ऑडिशन। पाकिस्तान से इंडिया आई सीमा हैदर लगातार खबरों में बनी हुई है। ऑनलाइन गेम के जरिए अपने प्रेमी सचिन से मिलने आई सीमा हैदर के बारे में जानने के लिए फिलहाल हर कोई उत्सुक है। पिछले दिनों खबर आई थी कि पाकिस्तान की सीमा हैदर हिंदी फिल्म में डेब्यू करने जा रही है। हालांकि अब लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो सीमा और सचिन की प्यार की कहानी अब फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म का टाइटल भी डिसाइड हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर फिल्म बनाने का जिम्मा जॉनी फायरबॉक्स प्रोडक्शन हाउस ने लिया है। इस फिल्म के लिए ऑडिशन पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं। हाल ही में ट्विटर पर सीमा हैदर और सचिन पर बनने वाले फिल्म का ऑडिशन क्लिप भी वायरल हो रहा है। जॉनी प्रोडक्शन ने ऑडिशन का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर भी जारी किया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीमा हैदर के किरदार के लिए एक मॉडल ऑडिशन दे रही है, तो वहीं एक शख्स कैमरे के सामने
उनसे फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर बनने वाली इस फिल्म का टाइटल कराची टू नोएडा होगा। ड्रीम गर्ल 2 के साथ लौटा दिल का टेलीफोन 2.0। आयुष्मान खुराना ने रिलीज किया फिल्म का पहला गाना। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर रिलीज के बाद से चर्चा में बना हुआ है। अब गुरुवार को फिल्म का पहला गाना दिल का टेलीफोन 2.0 जारी कर दिया गया है, जो पूजा यानी आयुष्मान खुराना की मस्ती से भरपूर है। गाने में एक्टर के कई अलग अलग अवतार देखने को मिल रहे हैं। ड्रीम गर्ल के पहले पार्ट में भी दिल का टेलीफोन गाना शामिल किया गया था, जो कि रिलीज के साथ ही वायरल हो गया था। अब इस गाने ने नए वर्जन के साथ धमाकेदार वापसी की है। दिल का टेलीफोन 2.0 पहले से ज्यादा मजेदार और मस्ती भरा है। फिलहाल दिल का टेलीफोन 2.0 की कॉल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। ड्रीम गर्ल 2 दिल का टेलीफोन की प्यारी धुन को फिर से वापस लाई है। गाने का पुराना वर्जन लोगों को पसंद आया था, अब दिल का टेलीफोन नए ट्विस्ट के साथ वही पुराना जादू चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दिल का टेलीफोन 2.0 का कंपोजिशन मीत ब्रदर्स ने किया है, वहीं जोनिता गांधी और जुबिन नौटियाल की जोड़ी ने गाने को अपनी आवाज दी है, जबकि लिरिक्स कुमार ने लिखे है। तो आज की तड़कती भड़कती धमाकेदार और मसालेदार टॉप 5 बॉलीवुड खबरों में बस इतना ही। रोजाना ऐसी ही बॉलीवुड खबरों को देखने के लिए मेरे साथ देखते रहिए बॉलीवुड टॉप 5 सिर्फ और सिर्फ NBCN न्यूज़ पर।